ये सिस्टम का डिस्प्ले नहीं आ रहा, सिस्टम ऑन हो रहा और पावर सप्लाई पूरा चल रहा और फैंस भी घूम रहे इसके अंदर, कंप्लीट ऑन हो रहा सिस्टम, लेकिन डिस्प्ले आउटपुट नहीं आ रहा। तो इसका जब हम रैम निकाल के देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली ज़्यादा तो तब तो रैम में ही प्रॉब्लम रहता, तो हम रैम क्लीन करके सुलगा के देखेंगे। तो हम अब इसको रैम को क्लीन करेंगे। मैक्सिमम रैम क्लीन करे तो आ जाता। इरेजर है ये, जो स्कूल में यूज़ करते पेंसिल को मेटने के लिए, वही इरेजर है, उससे क्लीन कर रहे हैं। देखिए थोड़ा साफ हो जाना, पूरा साफ हो गया तो क्लीन करें, पूरा चमकना ऐसे क्लीन कीजिए। तो क्या हम इसके इंसर्ट करेंगे, आ गया। पावर कनेक्शन लगा देंगे। देखिए ऑन हो गया। आपका कौन सा भी सिस्टम ऑन दो, अगर चाहे डिस्प्ले नहीं आ रहा, ब्लैक स्क्रीन है, सिस्टम ऑन हो रहा, तो पहले करने का यही काम, रैम निकालो, क्लीन करो और फिर रैम फिर इसके अंदर डाल दो, ऑन हो जाता। या नहीं बहुत ही प्रॉब्लम है और कुछ चेक करने का है, तो ये बायोस बैटरी चेक कीजिए, उसको निकालिए फिर के डालिए, निकाल के ऑन करना और बाद में डालना। बस बैटरी के डिटेल्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा, और प्रोसेसर का भी थोड़े फायदे इसके अंदर। और जो ये है, ये मदरबोर्ड ऐसी है, ये कंप्लीट मदरबोर्ड को चलाने की है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। और देखिए इसके अंदर ये पावर सप्लाई है, ये तो आपको मालूम भी होगा। ओके दोस्तों, अभी आ गया, देखिए स्टार्ट हो गया। देखिए कनेक्शन इसके लग के इधर, दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर चाहे वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।